हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं रामनगर। ये रामबाग तालाब जो कि वाराणसी में स्थित है। दोस्तों, पहले यह बनारस में हुआ करता था, पर अब यह चंदौली जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यह रामबाग तालाब रामनगर की उत्तर पूर्व दिशा पीएससी कैंप से 400 मीटर की दूरी पर है। यह तालाब 500 साल पहले काशी नरेश ने बनवाया था। दोस्तों, इस दीवार के अंदर रामबाग उपवन है, जो राजकुमारियों का प्रिय उपवन हुआ करता था। दोस्तों, इस तालाब की बनावट बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, रामनगर की सुप्रसिद्ध रामलीला का प्रथम दृश्य विशु लक्ष्मी निवास क्षीर सागर की झांकी इसी तालाब में सजाई जाती है, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। इसलिए इसको बैकुंठ, अलकापुरी, अमरावती और नंदनवन के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं, इस तालाब के चारों तरफ बहुत ही सुंदर नक्काशियां की गई हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। दोस्तों, इस तालाब के दक्षिण किनारे पर एक छोटा सा दृश्य विहारक महल है, जिस पर जाने की सीढ़ियां इस चार दीवारी के अंदर से बनी हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह दरवाजा कुछ कारणों से बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इस तालाब के पूर्व में सुमेरु दुर्गा मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण काशी नरेश महाराज बलवंत सिंह ने 1740 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद इसका पूर्व निर्माण महाराजा चेत सिंह के द्वारा कराया गया। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से मंदिर बंद है, इसलिए हम इसका बाहरी दृश्य ही दिखा पा रहे हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय।